नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे आज T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 के बारे में। यहाँ पर मुकाबला होने जा रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का महामुकाबला। दोस्तों आज पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले फैसला किया बैटिंग का। यहाँ पाकिस्तान पहले कर रहा है बैटिंग, यहाँ पर इंडिया करेगा बॉलिंग। आज दोस्तों बात करें पाकिस्तान वुमेन T20 ओवर का मैच मैक्सिमम, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं मैच के बारे में। दोस्तों बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही है पाकिस्तान तरफ से। यहाँ पे देख रहे हैं मुनिवाली विकेट कीपर हैं। आज दोस्तों आज 12 रन की पारी खेली उन्होंने 14 गेंदों में, एक चौका आया था उनके बल्ले से। 85.71 की स्ट्राइक रन थे, लेकिन यादव ने कोर्स को स्टेपिन करा दिया और यहाँ पे मुनिवाली 12 रन पे चलते बने। दोस्तों मुनिवाली आज 12 रन पे विकेट अपना गंवाना पड़ा यादव की गेंद पे। यहाँ पे बोश ने स्टेपिन किया मुनिवाली को, यहाँ पे 12 रन पे आउट हुए जवेरी खान। दोस्तों 8 रन की पारी खेली 6 गेंदों में, वो जवेरी खान दोस्तों 8 रन पे अपना विकेट गवाया। शर्मा गेंद पे हरमन पितनी कौर गेसलब का, वो यहाँ पर कैप्टन हरमन सॉरी कौर ने गेसलब के जवेरी खान को 8 रन पे आउट किया। बात करेंगे यहाँ पर कैप्टन मरूफ की, बिस्मा मरूफ दोस्तों भी डटे हुए करीब 35 रन की पारी खेल चुके 33 गेंदों में, 4 चौके हैं उनके बल्ले से। 106.06 रही उनकी स्ट्राइक रेट। और यहाँ पर दोस्तों बिस्मा मरूफ 35 रन की पारी खेल चुके 33 गेंदों में, 4 चौके जड़े हैं इस मैच के। दोस्तों 106.06 रही उनकी स्ट्राइक रेट। दोस्तों बात करें एक बार फिर मुनिवाली 12 पे अपना विकेट गवाया, और यहाँ पे 8 रन पे जवेरी खान ने विकेट गवाया, और यहाँ 35 पे विक्रेज मौजूद है। बिस्मा मरूफ कैप्टन अपनी पारी संभाल रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से हम बात करेंगे आगे की तरफ किस तरह मैच रहा है। निदाद दर का दोस्तों 0 पे फस्कार ने यहाँ पे घोष को कैच दिया, वो पीछे से स्टंप किया ऋचा घोष ने। निदाद दर को 2 गेंद में 0 पे आउट हुए, आगे बढ़ने की कोशिश पूरा शॉट खोलने की कोशिश की, लेकिन बॉल बची और छूक गई और यहाँ पे दोस्तों निदाद दर को आउट होना पड़ा। बात करेंगे सिदरा अमीन की, दोस्तों यहाँ पे वही कहानी, 11 रन बनाए थे 18 गेंदों में और 11 की स्ट्राइक रेट, वही कहानी दोहराई। यहाँ पे यादव की गेंद थी और घोष ने वही तरीके से स्टंप फिट किया। ऋचा घोष की बहुत ही शानदार विकेट कीपर की यहाँ पर परफॉर्म अच्छा रहा आज मैच में, वेस्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच का T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला। दोस्तों बात करें एक्स्ट्रा के, 2 रन मिले एक्स्ट्रा यहाँ पे 69 पे 4 विकेट गिर चुके हैं, अभी 13 ओवर रन हैं। यहाँ पे करंट चली रन रेट 5 की। दोस्तों ऐसे चला 110 बंदा का स्कोर बनेगा पाकिस्तान टीम का। पाकिस्तान ने 4 विकेट गवा चुके हैं, बड़े बड़े विकेट लिए हैं इंडिया के बॉलर्स ने यादव वस्तकार, और यहाँ पे बहुत ही शानदार बॉलिंग यादव द्वारा। दोस्तों यहाँ बात करने वाले हैं टोटल की, तो 69 पे 4 के यहाँ पे गिर चुके हैं, 13 ओवर होने हैं। यहाँ पे करंट चल रही है 5.59 की चली करंट रन रेट। दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला आज ये चौथा मैच। दोस्तों फर्स्ट मैच हुआ था वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का, उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की पहले श्रीलंका और साउथ अफ्रीका से, श्रीलंका ने इस मैच को जीता। दोस्तों आज बात करें चौथे मैच जो कि T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला, बहुत ही शानदार जा रहा। निदाद दर 0 पे आउट हुए, सिद्धरा अमीन 11 पे अपना विकेट गवाया, और आयुष नसीम दोस्तों बात करेंगे एक गेंद में एक रन बना चुके हैं। अभी नए नए ताजा अभी आए हैं क्रीज पे कैप्टन के साथ, मसूद बिस्मा मरूफ के साथ में निशम अपनी बल्लेबाजी करने उतरे हैं। यहाँ पे इस मैच में 2 रन मिले एक्स्ट्रा। यहाँ पे सिद्धरा अमीन 11 पे अपना विकेट गवाया, ऐसा नसीम 1 रन पे वो एक्स्ट्रा मिले हैं 2 रन। यहाँ पे दोस्तों 69 पे 4 विकेट गिर चुके हैं, बल्लेबाजी होने जा रही है, बहुत ही शानदार और अच्छा परफॉर्म रहा इस मैच में। वो 13 ओवर हो चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों 5.59 की चली करंट रन रेट इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के बीच का मुकाबला, बहुत ही शानदार। दोस्तों हम बात करेंगे बॉलिंग किस तरह से रही आज इंडिया टीम की बॉलिंग की बात करें, दीपिका यादव वो वस्तकार पूजा वस्तकार जो बहुत अच्छे नामी बॉलर हैं। ऋचा घोष की विकेट कीपर बहुत अच्छी रही, यहाँ पे पकड़ मजबूत है ऋचा घोष ने। बीच में अपना T20 U19 का वर्ल्ड कप अपने नाम के जयपाल वर्मा की कप्तानी और ऋचा घोष की बल्लेबाजी और विकेट कीपर के साथ में। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे बैटिंग की, अलियाज फातिमा साना अहमान अनवर नशरा संधू सद्या इकबाल और फॉलोअप विकेट। बात दोस्तों है विकेट की बात करें पतन किस तरह से हुआ था, यहाँ पे जवेरी खान दोस्तों 10 रन पे विकेट गवाए पहला विकेट, दूसरे और चौथी गेंद पे वो यहाँ 42 पे विकेट, मुनिवाली का 7 और 5 गेंद जो यहाँ बात करें 43 पे तीसरा विकेट, निदाद दर का 8 और 3 गेंद पे और 48 पे चौथा विकेट था। यहाँ पे दोस्तों सिद्धरा अमीन का 13 पहली गेंद पे
दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे बॉलिंग की। दोस्तों रेणुका सिंह दोस्तों आज दो वो डाले, उन्होंने 6 रन दिए, 0 विकेट, 3 की उनकी इकोनॉमी बहुत ही शानदार बॉलिंग रेणुका सिंह द्वारा। दीप्ति शर्मा दोस्तों आज 3 ओवर में 26 रन दिए, वो यहाँ पर 1 विकेट लिया शर्मा ने। दीप्ति शर्मा बहुत ही अच्छी बॉलर्स है और यहाँ पर 3 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट लिया। 8.6 इकोनॉमी 10 पे गिरा पहला विकेट, 42 का दूसरा विकेट, वो यहाँ पे 243 पे किया तीसरा विकेट, लगातार विकेट लिया थे आज यादव ने। दोस्तों यहाँ पर 68 पे 74 गिर चुका है अभी पाकिस्तान वुमेन टीम का, पाकिस्तान वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन के बीच का मुकाबला बहुत ही शानदार होने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे किस तरह से विकेट गिरे दीप्ति शर्मा, ये भी गिर 26 रन पे। दोस्तों बात करेंगे बैटिंग की तो आलिया राज आज, फातिमा शाह, अयमन अनवर तक अच्छी बल्लेबाजी होती है पाकिस्तान टीम की, बाकी दो बॉलर से जो बॉलर में माहिर लेकिन बल्लेबाजी थोड़ी भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसा पाकिस्तान वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन के बीच का मुकाबला बहुत ही शानदार होने जा रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच का मुकाबला T20 का मैच है, वो यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान टॉस जीता, वो पहले फैसला किया था इन्होंने बैटिंग का, तो बैटिंग करा है और 69 पे 4 हो चुके हैं पाकिस्तान टीम के, वो 13 होने समाप्त। दोस्तों 110-115 तक स्कोर रन रेट से 5 की 100, तो यहाँ से 8 ओवर 8.30 से 100-110 तक जा सकती है अभी रन रेट पाकिस्तान टीम की। तो यहाँ बात करते हैं बॉलर्स की, तो बॉलर का रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा का बहुत अच्छा परफॉर्म। बात करेंगे अब नेक्स्ट बॉलर की, दोस्तों इंडिया के नेक्स्ट बॉलर बात करें राजेश्वरी गायकवाड़ दोस्तों 2 डाले, 14 रन दिए, 7 की इकोनॉमी रही। सुबह राधा यादव दोस्तों 3 ओवर में 8 रन देखे, 2 विकेट लाए, राधा यादव का बहुत ही अच्छा परफॉर्म। राधा यादव 8 रन दिए, 2 डाले, 3 रन, 2 विकेट लिए, 3 पर मैनेज थी इकोनॉमी। यहाँ बात करने वाले हैं अपन पूजा वस्तकार की, दोस्तों पूजा वस्तकार ने 2 डाले, 12 रन दिए, 1 विकेट चटकाया। 6 की इकोनॉमी 2 उनकी बैट गेंद थी लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म, 2 ओवर में 12 रन दिए थे, 2 विकेट, 1 विकेट लिया था इन्होंने पूजा वस्तुकार ने। राधा यादव का 2 विकेट। वो यहाँ बात करेंगे सैफ अली वर्मा की 1 ओवर में 3 रन देखिए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पे सैफ अली वर्मा द्वारा। दोस्तों बात करें राजेश्वरी गायकवाड़ की, तो 2 डाले 14 रन दिए, राधा यादव ने 3 ओवर में 8 रन देखे, 2 विकेट चटकाए यहाँ पे पूजा वस्तुकार, 2 डाले 15 रन दिए, 1 विकेट लिया। यहाँ पर सैफ अली वर्मा दोस्तों 1 ओवर में 3 रन देखे, बहुत अच्छा परफॉर्म है यहाँ पे इंडिया वुमेन टीम की। बात सैफ अली वर्मा, जस्तिका भाटिया, जहमीरा रोडिगास, हमप्रीत कौर, यश्चा घोष विकेट कीपर, कैप्टन कौर, हलिन डियोल, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्तुकार, हृदय तो राजेश गायकवाड़, रेणुका सिंह, बहुत ही अच्छी टीम बनी है यहाँ पे इंडिया वुमेन की। यहाँ पे मुकाबला अच्छा हो सकता है, यहाँ पे बहुत ही शानदार बल्लेबाजी होने जा रही है। दोस्तों इंडिया वर्सेज पाकिस्तान बीच का मुकाबला, दोस्तों इंडिया की टीम आज इस मैच में परफॉर्म दिखाई अपना, बहुत शानदार परफॉर्म होने वाला है यहाँ पे इंडिया वुमेन वर्सेज पाकिस्तान के बीच। सबसे पहले हम यहाँ पर इस्ते भाटिया लास्ट पूजा वस्तकार अच्छी बैटिंग होती है यहाँ पे, हृदय हृदय तो खेलते हैं यहाँ पे बल्लेबाज, इस मैच में अच्छा परफॉर्म होगा। यहाँ पर 69 पे 4 विकेट ले चुके अभी, 110 रन बन सकते हैं पाकिस्तान टीम के। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, अभी तो हमारे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद का बहुत बहुत आभार हमारे सपोर्ट के लिए, आज आपकी वजह से हमारे 7,000 प्लॉट पूरे हुए। पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से लॉट ऑफ थैंक्स।